अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़िर मोहतरम, मैं हाफिज़ वानिस भी आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़िर मोहतरम, आज मैंने आपके सामने बहुत ही अहम तरीन टॉपिक पर बात करनी है, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से नाज़िर मोहतरम बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है और एक वीडियो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो तमाम दो जो चैनल पर नए हैं उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़िर मोहतरम, हवेलियाँ के मकाम पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पर शैलिंग हुई, आप तमाम हजरात जानते हैं, और जनाब निहत्ते कारकुनान पर जनाब बगैर किसी वजह के शैलिंग की गई। और नाज़िर मोहतरम, बात यहाँ तक महदूद नहीं रही बल्कि जनाब शैलिंग भी की गई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। तो इसी हवाले से जिन्होंने पिछले लॉन्ग मार्च जो कि वज़ीराबाद तक आया था, जिन्होंने लीड किया था, पीर सरवर शाह सैफी साहब जनाब, उन्होंने लॉन्ग मार्च को लीड किया था, तो उन्होंने इस बार जो है बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे कारकुनान को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो रिहा किया जाए, वरना ऐसी हम काल देंगे कि इंसान बरसें, जनाब हमारे कारकुनान निकलेंगे और पाकिस्तान को जनाब हम जाम कर देंगे, क्योंकि तुम जनाब बगैर किसी वजह के जनाब उस शाकान मुस्तफ़ा को जो है वो गिरफ्तार करें। हम इतना ही कहूँगा कि जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया है फिर फौरन को रिहा किया जाए, और दूसरा नाज़िर मोहतरम, अलामा साद हुसैन रिजवी साहब ने भी बजाते खुद इस चीज़ का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हम इस इतवार, ये जो इतवार आने वाला है कि जिस जगह पर जनाब उन्होंने शैलिंग की है, उन्होंने कहा कि हम उस मकाम पर जाएंगे और वहाँ पर जनाब जाकर हम अपनी रैली भी निकालेंगे और सारा कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी बाग के अंदर कोई दम है तो जनाब हमें रोक कर दिखा। इंशाल्लाह नाज़िर मोहतरम, तारीखी रैली भी निकलेगी और जो हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं उनको भी रिहा किया जाएगा।